ऐसे क्रोधित होकर क्यों चले आए? अद्भुत, जैसे कि जानती ही नहीं। अब तुम उस कृष्ण से मित्रता करोगी तो मुझे तो क्रोध आएगा ही ना। अरे वो तो मैं उसे मूर्ख बना रही हूँ, केवल एक नाटक है। नाटक? किस लिए? इसलिए ताकि मैं उस लड़की का पता लगा सकूं जिसे वो अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, और इस भोली भाली लड़की का जीवन बर्बाद होने से बचा सकूं। हाँ, मैं राधा से प्रेम करता, प्रेम करता, प्रेम करता। क्या हुआ? राधा, तुम क्यों उस लड़की का पता लगाना चाहती हो? अरे क्यों ना लगाओ, वो कुटिल कृष्ण और इसका पाखंड से भरा प्रेम वो उस लड़की का जीवन भ्रष्ट करके रख देगा। केवल यही बात है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कृष्ण तुम्हें सचमुच भाने लगा है? अर्थात मित्र के रूप में? धतूरा चक के आए हो क्या भूल से? वो मायावी कृष्ण भला किसे भाएगा? राधा, मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरी बालपन की सखी हो। मैं तुम्हें उस दुष्ट कृष्ण के साथ मित्रता करते हुए देख नहीं पाया, इसलिए थोड़ा क्रोधित हो गया। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत चिंता करते हो एन, किंतु अब मेरी लक्ष्य पूर्ति के लिए तुम्हें भी कृष्ण से मित्रता का नाटक करना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं जानती थी तुम ना नहीं कहोगे, अब चलो भी। क्या बातें हो रही हैं मित्रों के बीच? कुछ नहीं, मैं तो बस आयन को समझा रही थी कि व्यर्थ में झगड़ा और बैर पालने से क्या लाभ। अब तुमसे भी वो मित्रता कर ले, और देखो आयन मान भी गया है ना। अच्छा, सच में बड़े भैया, आपने आपकी भूल स्वीकार कर ली। हाँ, वो जो कुछ भी हुआ उसमें दोष मेरा ही था, पर ठीक, अब सब कुछ भुलाकर हम दोनों मित्र। मेरा तो जी भर आया है बड़े भैया। आपका बड़ा ही आभारी हूं मैं। धन्यवाद, प्रेम की दूसरी सीढ़ी पार आ गया हूं मैं। अब घृणा से मित्रता पर आ गया हूं। अब मित्र के मन में प्रेम का घर बसाने में कितना समय लगता है? इस डगर पर तुम चल रहे हो ना कृष्ण, उसके अंतिम छोर पर प्रेम नहीं, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कुछ कहा आपने?
नहीं नहीं, आप क्यों कुछ कहेंगे, मेरे कान ना जब चाहे तब बजने लगते हैं। अब हम चले। सुदेवी के विवाह से पहले तुम्हें मुझे नृत्य भी तो सिखाना होगा। समझ गए ना क्रूर, क्या करना तुम्हें? जी महाराज। मुझे किसी भी मूल्य पर वो कृष्ण चाहिए। अब सुनो, इस कार्य को कैसे संपन्न करना है? जाओ क्रूर, और उस कार्य को पूर्ण करके ही आना। अवश्य महाराज। कृष्ण, तेरी जीवन की जोत कुछने का समय आ गया है। अग्नि मुद्रा। हंस क्यों रहे हो? तुम आके अभ्यास करो। अब से मुद्रा में दोष, तुम्हें नृत्य का न भी नहीं आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं न से नर हूँ, न से नारायण नहीं। 64 कलाओं में मैं प्रवीण हो जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, लो। समझे? यदि 2 दिन में नृत्य सीखना है ना, तो नारायण ही बनना पड़ेगा। कंधे तने हुए, आंखें स्थित और खुली। आंखें खुली और स्थिर, ठीक है। कहाँ जा रहे हो मित्र? बैठो यहीं और देखो, राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, नृत्य करते हुए। राधा, इस कृष्ण के पीछे परिश्रम करना व्यर्थ। सुदेवी के विवाह तक तो नहीं, हाँ उसके संतान के विवाह तक ही अवश्य मुद्रा ठीक करना सीख लेगा। अब आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो बड़े भैया। मुझे नृत्य सीखना है और वो भी सुदेवी के विवाह से पहले। अब मैं बड़े भैया को कैसे समझाऊं कि सुदेवी के विवाह में मैं अपनी प्रेमिका के साथ नृत्य करना चाहता हूं?
राधा, हम ऐसा करते हैं, तुम और मैं कृष्ण को नृत्य करके दिखाते हैं। देखने से ही तो सीख मिलती है। कृष्ण हमें देखकर ही मुद्रा संचालन का अभ्यास कर लेगा, क्यों? हाँ, ये ठीक रहेगा। कृष्ण, मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ कान्हा, नृत्य सीखते सीखते कहां जाना है अब तुम्हें? कुछ स्मरण हुआ है दाऊ, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा, जाने दो उसे, हम ही नृत्य करते हैं। तुम्हें नृत्य की पड़ी है? सुना नहीं कृष्ण किसी से मिलने जा रहे हैं? यही उचित समय है, इसका पीछा करके उस लड़की का पता लगा सकते हैं।